जो भी अज थोनू दिखाने 250-300 किला जमीन का किमें उजाड़ा हो गया। यह है परल सिटी बठिंडे। बठिंडे तो गोन्याणा रोड से जाद पिंड गलपत्ती के नाल लगती है। दोस्तों ये जी परल सिटी है तकरीबन अज तो 10-15 साल पहला मेरे ख्याल जमीन एक्वायर हुई सी जो ये बननी शुरू हुई सी। वधिया वधिया सड़क ते वधिया बिल्डिंग भी यदि बन के तैयार होगी। तुसी दोनों साइड एक बिल्डिंग भी देख सकते हो। एक है जी महल नुमा इमारत है देख सकते हो। तकरीबन यह अज की डेट च देखा जाए तो 2-3 करोड़ रुपए की लागत ना बनने वाली यह इमारत है जी अज खंडर बन चुकी है। यदि छत भी विचों डिग रही है सीमेंट लै लै डिग रहा है। गल यह है कि जदों कोई कांड होंदा है जदों कोई घोटाला होंदा घपला होंदा तो उदों ये सारिया चीज़ा विच ही रह जांदियां। कुक कंपनी के मालक निर्मल भंगू वो तो इस वक्त जेल के विच है। पिछले 5-7 सालों तो जेल के विच ही है। जदों सिस्टम चल रहा सी जदों काम चल रहा सी तो सारा कुछ ऑन द ट्रैक सी। सड़क भी बन गई तुसी देखोगे ये अगे मेन सड़क के विचों सड़क पटती है। फिर ये गलियां का भी रूट प्लैन किया यह जिमें गली है स्ट्रीट मैप है जी ये तैयार है। कहिंदा भाव की है कि कलोनी एक प्रॉपर बन रही सी जिस तरीके कि कलोनी बननी चाहिए तकरीबन 250-300 किले के जितों तक थोड़ी निगाह जाती है। ये परल सिटी की ही प्रॉपर्टी है। अगे थोनों अद्धा 1 किलोमीटर दूर तक एक कंध दिखाई देती होगी। एक कंध दोस्तों परल सिटी की ही है। थोनों इस दियां अंदरलियां जिहड़ियां सड़क है उन्हां दा भी टूर कराने हैं। आ जिहड़ी सड़क है ये कच्ची सड़क है मोटा पत्थरी पिया हुआ सिर्फ इस दे तां जिहड़ी कलोनी है इसनों तुसी जिहड़े मर्जी पासों झात मारोगे तो यह तकरीबन 250-300 स्क्वेयर किलोमीटर लंबी चौड़ी है। जिहड़े पासे नूं जाओगे 2-250 किलोमीटर की यदि लेंथ आराम नाल हैगी है। बनी प्रॉपर सी सड़क वगैरह बनिया सीधिया रोड जिहदे विच बनिया हुई हैं प्रॉपर जिवें एक कलोनी हुंदी है उस तरीके नाल। पर की है कि जदों कोई कांड हो जाता तो सारा कुछ किया किराया विच ही रह जाता। हुण इहदी देख रेख करन वाला सांभ संभाल करन वाला कोई नहीं है। इस करके प्रॉपर्टी इन्नी जमीन है जिहड़ी वह उजाड़ पई है। तकरीबन गिलपत्ती का जिहड़े जमीन का भाव उहदे हिसाब नाल आपां देखिए तो यह 200-250 करोड़ की प्रॉपर्टी बनती है। तो ये गल आती है कि इन्ना पैसा आता कितों है या सिस्टम किमें चलता। तो अज तो 10-15 साल पहला जो यही कंपनी चली सी तो उदो की सी बैंक 10 सालों के पैसे दुगने कर दिया सी। पर जी परल कंपनी सी वो सिर्फ 6 सालों पैसे दुगने कर देंदी सी। कारण यह हुंदा सी कि उदो ये प्रॉपर्टी के इन्वेस्ट भी करते सीगे। कुछ ये हुंदा कि ये जिहड़ी कंपनियां हुंदियां बगैर लंबी सोच तो या बगैर लाइसेंसा तो चल दिया हुंदियां तो उस करके की है जिहड़ा नवा इन्वेस्टर हुंदा है छोटा इन्वेस्टर भोले भाले लोग है जिहड़े वो फस जांदे है। तो वो इहदे विच जिहड़े पैसे ज़्यादातर लगे सी वो आम लोगों के छोटे लोगों के लगे सी। कई लोगों ने तो अपनी सारी की सारी पूंजी भी इहदे विच लगा दित्ती सी। हुण की हुंदा कि जदों कुछ हो जाता तो दिक्कत जिहड़ी आउंदी है वह आम बंदे नूं यानी कि इन्वेस्टर नूं ही आउंदी है जिहदे पैसे लगे हुंदे है। वो पैसे एक बार देता दिंदा पर पैसे वापस लैन लई उन्हों दर दर भटकना पैंदा। हुण अज लगा लो कि 10 सालों बाद भी किसी नूं पैसे नहीं मिले क्योंकि वह पैसे अज की डेट दे विच सारे सीज़न। पर उस तो जिहड़ा अगला दोष है वह मैं देना चाहूँगा सरकार नूं अपने शासन नूं प्रशासन नूं चाहे वह सेंटर गौरमेंट है चाहे वह सैबी है। क्योंकि कंपनी की मैनेजमेंट अंदर है कंपनी इस वक्त खत्म है। कंपनी के जिहड़े बैंक अकाउंट है वह सीज्ड है। ये जिहड़ी कंध है ये सड़क वाले पासे है जिहड़ी खीरली कंध तुहानूं दिखा रहे वापसी आप कर रहे हैं परल सिटी की टैंकी दिखाई दे रही हो। तो इस वक्त जिहड़ा भी कंपनी की प्रॉपर्टी है वह भी कितने ना कितने सैबी के अंडर आएगी। जिहड़ा कंपनी के बैंक अकाउंटा दे विच पैसा पिया सी वह सीज करके फ्रीज करके वह भी गौरमेंट के कोल ही पिया। तो वह गौरमेंट नूं चाहिए सी कि जिहड़े उन्होंने इन्वेस्टर है लोग है उन्होंने आइडेंटिफाई करके उन्होंने पैसे वापस दिते जान जिदे जिन्ने बनते हैं उन्ने दिते जान। घट्टो घट्ट नाम वाला प्रिंसीपल या उन्होंने मूल अमाउंट तो हरेक बंदे नूं वापस दिती जाए या जिन्होंने यह प्रॉपर्टीज़ अलॉट हुई सी उन्होंने प्रॉपर्टीज़ दिती जान क्योंकि प्रॉपर्टी यह बहुत ज़्यादा है।
ਇਹਦੀ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 10 ਗਜ਼ ਹੈ, 20 ਗਜ਼ ਹੈ, 50 ਗਜ਼ ਹੈ, 100 ਗਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਵਗੈਰਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਚੌਂਕ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਚੌਂਕ ਆ ਗੋਲ, ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਲੋਨੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕਢਵਾਇਆ, ਕਲੋਨੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ ਇੱਧਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਮੇਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਖੰਡਰ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠਦੇ ਉੱਠਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮਹਿਲ, ਉਹ ਵੀ ਖੰਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਲ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਦੇਖ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ।